नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आशुतोष और आज के इस वीडियो में हम इंडिया के बिगेस्ट फाइनेंशियल वेपन रुपे कार्ड के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये होम ग्राउन इंडिजीनस कार्ड नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़े बिगेस्ट जायंट वीजा एंड मास्टर कार्ड के होते हुए भी इंडिया का टॉप मार्केट शेयर वाला कार्ड नेटवर्क बन गया है, क्यों यह इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे रुपे कार्ड की हेल्प से इंडिया ग्लोबल लेवल पे अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्ड नेटवर्क होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड देखते हैं उसमें मेनली हमें दो नाम दिखाई देते हैं। पहला तो एक इशूइंग अथॉरिटी होती है जो कि ज़्यादातर केसेस में बैंक होता है, दूसरा उसमें एक कार्ड नेटवर्क का नाम लिखा होता है जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, एमएक्स, इस टाइप के कार्ड नेटवर्क के नाम लिखे होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो कि हम कार्ड से करते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला तो एक इशूअर होता है जो कि पेमेंट करता है, दूसरा बेनिफिशियरी होता है जो कि पेमेंट को रिसीव करता है, और तीसरा कार्ड नेटवर्क होता है जो कि इशूअर से लेके बेनिफिशियरी तक पेमेंट को पहुंचाने का काम करता है। जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं उस पेमेंट को सेफली मर्चेंट तक या फिर बिजनेस तक पहुंचाने के लिए कार्ड नेटवर्क ही रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए कार्ड नेटवर्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इंडिया में मेनली तीन कार्ड नेटवर्क हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड रुपे। वीज़ा और जो मास्टर कार्ड हैं US बेस्ड कंपनी है जो कि काफ़ी लंबे समय से इंडिया में काम कर रहे हैं, और एक समय में वीज़ा और मास्टर कार्ड जो थे इनका ही टॉप मोस्ट शेयर था इंडिया के कार्ड सेक्टर में। 2012 में NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने रुपे कार्ड को डेवलप किया था एंड 2014 में इसे लॉन्च किया था। रुपे कार्ड जो है इंडिया का होम ग्राउन और इंडिजीनस कार्ड नेटवर्क है। रुपे का जो नाम है वो इंडिया की जो करेंसी है रुपये उससे, और जो पेमेंट टर्म होती है उससे लिया गया है। रुपये का रू एंड पेमेंट का पे दोनों को कंबाइन करके रुपए। चलिए समझते हैं कि इंडिया को आखिर रुपए कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। रुपए कार्ड से पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस वीज़ा एंड मास्टर कार्ड का था और पूरा जो मार्केट शेयर था इनके ही हाथों में था, लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करती थी। इनका जो मेन टारगेट होता था हाई एंड रिच कस्टमर्स होते थे, ये देश की गरीब जनता को सर्व नहीं करना चाहते थे। जब भी आप किसी कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं और जब वो पेमेंट बिजनेस के पास जाती है तो उस बिजनेस हाउस को या फिर मर्चेंट को कुछ फीस पे करना होता है जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं, जो कि 1-3% के आसपास होता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने 20,000 रुपये किसी को ट्रांसफ़र किए हैं तो उस बिज़नेस को 200-300 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। इसी हाई फीस के कारण ये जो कंपनीज थी ऐसी पॉपुलेशन को सर्व करना चाहती थी जो कि इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएँ, इतना अमाउंट स्पेंड कर पाएँ। 2011 में इंडिया की 50% पॉपुलेशन के पास एक बैंक अकाउंट की फैसिलिटी भी नहीं थी। गवर्नमेंट तो चाहती थी कि बहुत सारे लोग बैंकिंग फैसिलिटीज़ के अंदर आएँ, लेकिन किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए 2-5,000 रुपये तक का अमाउंट डिपॉजिट करना होता था जिसे कि मिनिमम बैलेंस कहते हैं, क्योंकि बैंक मिनिमम बैलेंस के ऊपर डेबिट कार्ड और चेकबुक जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे। लेकिन यह अमाउंट भी कुछ गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है और वो इस अमाउंट को मेंटेन नहीं कर सकते थे। इस कारण देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं था। गवर्नमेंट इसी गैप को दूर करना चाहती थी और एक ऐसे पेमेंट नेटवर्क को डेवलप करना चाहती थी जिसकी फीस कम हो और जिस कार्ड नेटवर्क के ऊपर जो देश की गरीब जनता है वह अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर। 28 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम को लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस स्कीम का मेन एजेंडा था देश की पिछड़ी और बैकवर्ड आबादी जो कि आज तक बैंकिंग फैसिलिटी से नहीं जुड़ पाई थी, उन्हें खुद का एक बैंक अकाउंट देना। दोस्तों, यूजुअली जब भी हम बैंक में कोई अकाउंट खुलाते हैं तो उसमें हमें कुछ मिनिमम बैलेंस रखना होता है जो कि 1,000-5,000 तक हो सकता है, लेकिन देश की जो गरीब जनता है, मजदूर वर्ग के लोग हैं जो कि छोटा मोटा काम करके जीवन यापन करते हैं, उनके लिए इस अमाउंट को अपने अकाउंट में रखना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसी कारण से आज तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ पाई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना देश के प्रत्येक नागरिक को एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती है, और इसीलिए यह
स्कीम देश के लिए गेम चेंजर साबित हुई है और इस कारण इतने सारे लोग इस स्कीम के कारण बैंकिंग फैसिलिटी से जुड़ पाए हैं। इस स्कीम के सक्सेस होने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ रुपए कार्ड का भी है, क्योंकि जो प्राइवेट कार्ड नेटवर्क थे उनकी MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट काफ़ी हाई थी, लेकिन जो रुपए कार्ड था, जिस समय रुपए और मास्टर कार्ड 2-3% तक का MDR चार्ज करते थे, वहीं रुपए कार्ड ओनली 90 पैसा पर ट्रांजैक्शन का MDR चार्ज करता था। और इस लो ट्रांजैक्शन फीस का जो बेनिफिट है एंड कस्टमर को मिलता है, और यही कारण था कि इतने सारे लोग रुपए कार्ड नेटवर्क के कारण रुपए कार्ड नेटवर्क की हेल्प से इतनी बड़ी स्कीम के साथ जुड़ पाए और जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाए। रुपए कार्ड 2014 में लॉन्च हुआ था, 2017 तक रुपए कार्ड का मार्केट शेयर मात्र 17% था, जो कि 2020 में 60% तक हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार 61 मिलियन से भी ज़्यादा रुपए कार्ड इशू किए जा चुके हैं, जिनकी टोटल इशू डेबिट कार्ड के 65% से भी ज़्यादा हैं। रुपए कार्ड के टोटल ट्रांजैक्शन की बात करें तो जहां 2016 में यह 36 मिलियन के ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं 2022 में 1516 मिलियन के ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। 2021 में 44 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जिनमें 31 करोड़ से भी ज़्यादा डेबिट कार्ड रुपए डेबिट कार्ड नेटवर्क। रुपए कार्ड की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है इसका गवर्नमेंट असिस्टेंस। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। रुपए कार्ड की सक्सेस में इसका फ्री एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है। ऐसा पहली बार था जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के लिए इतना ज़्यादा प्रमोट की है उसे और इतना ज़्यादा सपोर्ट की है, और गवर्नमेंट के इसी सपोर्ट के कारण वीज़ा एंड मास्टर कार्ड ने US गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट की शिकायत भी किया है, बट इंडियन गवर्नमेंट बिना किसी प्रेशर के रुपए कार्ड को सपोर्ट करते रहे। यहाँ तक कि PSU बैंक्स को तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि आपको सिर्फ रुपए कार्ड ही इशू करना है। 2021 में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रुपए कार्ड इंडिया का कार्ड है और किसी भी इंडियन को किसी दूसरे कार्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है, कितना ज़्यादा प्रमोट किया है इस रुपए कार्ड। रुपए कार्ड वन ऑफ सेफेस्ट कार्ड में से एक है, जिसमें स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर्स एप्लीकेबल हैं। यूज़र इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए MVI चिप से लेके 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे बहुत सारे फीचर्स इस कार्ड को बहुत ही ज़्यादा सेफ बनाते हैं। इसके अलावा RBI डाटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 2021 में RBI ने मास्टर कार्ड को इंडिया में बैन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डाटा स्टोरेज के जो रूल्स थे, डाटा स्टोरेज के जो गाइडलाइंस थी, उनको फॉलो नहीं किया था, और इसी बैन के कारण बहुत सारे बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को कार्ड नेटवर्क चेंज करना पड़ा था, और जिसका डायरेक्ट एडवांटेज रुपए कार्ड को और वीज़ा को मिला था। रुपए कार्ड सिर्फ एक डोमेस्टिक कार्ड ही नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल कार्ड है। 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन हेरिटेज सेंटर सिंगापुर में विजिट किया था, तो उन्होंने एक मधुबनी पेंटिंग परचेज किया था, जिसका पेमेंट उन्होंने अपने SBI के रुपए कार्ड से किया था। यह एक इंडिकेशन था रुपए कार्ड की ग्लोबल होने का। 2019 तक रुपए कार्ड दुनिया के 195 कंट्रीज़ में यूजेबल है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, UAE ने भी रुपए कार्ड पेमेंट्स मैकेनिज्म को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा 30 डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया का डिस्कशन ऑन गोइंग है टू मेक अ वायबल पेमेंट ऑप्शन इन देयर कंट्री। भूटान एंड नेपाल ऑलरेडी रुपए कार्ड नेटवर्क को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इंडिया ने ऑलरेडी फ्रांस के लारा नेटवर्क के साथ MOU साइन किया है टू सेट अप अ रुपे एंड UPI इन फ्रांस। ईयर 2022-23 में रुपए कार्ड 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, जो कि 42.4 मिलियन POS एंड 1.9 मिलियन ATMs में एक्सेप्टेड रहेगा। रुपए कार्ड के ग्लोबल होने से फॉरेन में रह रहे इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, चाहे आप वेकेशन में विजिट कर रहे हो या फिर आप NRI हैं, क्योंकि जब भी आप फॉरेन जाते हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन होते हैं, जो कि आप रुपए कार्ड यूज़ करके अवॉइड कर सकते हैं।
रशिया एंड यूक्रेन वॉर के कारण वीजा एंड मास्टर कार्ड ऑलरेडी अपनी सर्विसेज रशिया में क्लोज कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रुपए कार्ड के लिए अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की। रुपए कार्ड का डेबिट कार्ड के सेक्टर में 65% से भी ऊपर का मार्केट शेयर है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में रुपए कार्ड का मार्केट शेयर 3% से भी कम है। जब भी हम कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसमें जो कार्ड नेटवर्क रहेगा वो हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। यूजुअली बैंक्स का कार्ड नेटवर्क के साथ टैप होता है, एग्रीमेंट होता है, और जो बैंक जिस कार्ड नेटवर्क के साथ टैप होता है उसी नेटवर्क का कार्ड हमें इशू करते हैं। ऐसे में हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं होता है कि हमें कौन सा कार्ड नेटवर्क सेलेक्ट करना है। लेकिन यह सिनेरियो अब चेंज होने वाला है। 1 अक्टूबर 2023 को RBI ने एक ड्राफ्ट पेश किया है जिसमें बैंक से कहा गया है कि 1 अक्टूबर के बाद से जो भी कार्ड इशू होंगे उनमें कौन सा कार्ड नेटवर्क रहेगा यह कस्टमर को खुद सेलेक्ट करने का ऑप्शन उन्हें देना होगा। वह पहले से कोई एग्रीमेंट करके पहले से ही कोई कार्ड नेटवर्क नहीं दे सकते हैं। यह एक बहुत ही गेम चेंजर साबित होगा रुपए कार्ड को क्रेडिट कार्ड के सेक्टर में डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, आपको रुपए कार्ड या फिर किसी भी कार्ड नेटवर्क से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताएं, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या रुपए कार्ड भी वीज़ा एंड मास्टर कार्ड की तरह एक ग्लोबल लेवल पे अपना डोमिनेंस क्रिएट कर पाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।